कुर्ते की सिलाई के लिए मैंने इस तरह से मार्क किया है। अभी हम गले की 5.5 इंच शोल्डर से 2, नीचे की 2 और इस तरह से हमने गोलाई में कट किया है। अभी मैं पैटर्न वाला गला बनाने के लिए मैंने इसकी लंबाई ली है 6 इंच। अब यहाँ 6 इंच तक कटिंग करना है। देखिए इस तरह से हमारा गला कटिंग हो गया है और आगे हम शो बटन लगाएंगे। इसके लिए मैंने कट किया है कैनवास का, लिया है मैंने 1 और इस तरह से हम गले को कटिंग करेंगे। शॉर्टकट में हम गला बना रहे हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, फटाफट बनने वाला गला है। इस तरह से हमने राउंड शेप दिया है और ऊपर हम मार्क कर लेंगे 1 इंच जितना, और इसको राउंड में शेप करना है। 1 इंच इधर भी रखना है और इधर भी 1 इंच। इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। देखिए इस तरह से हम कटिंग कर देंगे अंदर की साइड का। ये हमारा गला कटिंग हो गया है। अभी हम कपड़े के ऊपर रखेंगे इस गले को और हम साइड की पट्टी को फोल्ड कर देंगे इस तरह से कट करके। जहाँ से त्रिकोण आता है बीच में से क्रॉस लगा देना कटिंग में, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। और अंदर वाला भाग कट कर देंगे और इसके ऊपर भी फिनिशिंग कर देंगे। हमें पूरे में सिलाई लगानी है। हमने गले के ऊपर कपड़ा रख दिया, इस तरह से हम ऊपर भी सिलाई कर देंगे। देखिए हमारी सिलाई हो गई है। अभी मैं उल्टा करके जहाँ से गोलाई है वहाँ से हल्का सा कट कर देना है। ये कट कर दिया है मैंने और इसको फिर से सीधा फोल्ड करना है और इसके ऊपर भी सिलाई लगानी है ताकि ये फिनिशिंग में आए। देखिए हमारा आगे का गला रेडी हो गया है। हम इसमें बटन के लिए एक पट्टी जॉइन करेंगे नीचे से। मैंने इसके नाप का एक कपड़ा कटिंग किया है, जितनी पट्टी लगा सके उतना। देखिए इस तरह से मैंने 4 फोल्ड करके कपड़ा रेडी किया है और इसको नीचे रख के इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और मैंने डोरी बना दी एक। देखिए इस तरह से हमने नीचे की तरफ से कपड़ा रख के इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अभी हम इसको एक्स्ट्रा को कटिंग कर लेते हैं और हम डोरी की साइज को इस तरह से कटिंग कर देंगे 1.5 इंच जितनी, और इसको सारी डोरी को इसमें राउंड घुमाते हुए जितना बटन लगे उतना उतना गैप छोड़ के हमें ये लगाना है बटन। देखिए इस तरह से मैंने ये सारी नाकी लगा दी है। देखिए हमारी नाकी लगा के रेडी कर दी हमने। अभी जो जिस साइड में पट्टी लगाई है उस साइड के कपड़े को फिर से इसके ऊपर लगा दिया है मैंने, और पीछे के गले को कटिंग करने के लिए मैंने इसी तरह से गला कटिंग किया था और इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेके। अभी हम इसके ऊपर भी पीछे वाले भाग को भी सिलाई कर देते हैं।
देखिए, और अब फिर इसको फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर भी सिलाई कर देंगे। इस तरह से हमारा गला रेडी हो गया। आगे पीछे को हम जॉइंट कर देते हैं और फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। देखिए हमारा कुर्ता बन के रेडी हो गया है। आप इसमें स्लीव्स लगा सकते हैं और हमारा गला भी रेडी हो गया इस तरह से। और इसमें बटन